हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ किचन के लिए कुछ उपयोगी टिप्स एंड ट्रिक्स। पहला टिप मैं ले रही हूँ शुगर सिरप बनाने का। शुगर सिरप गर्मियों में बहुत ही यूज़ होता है। कोई भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बनाने के लिए हमें शुगर सिरप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी चीनी की ली है। इसमें एक कटोरी ही पानी की डाल दूँगी। इसको हम हाई फ्लेम पर चीनी डिजोल्व होने तक इसको पकाएंगे। अब इसको हम छानकर फ्रिज में एक महीने के लिए रख सकते हैं। जब भी हमें कोई ड्रिंक बनाना हो, शुगर सिरप ऐड किया और हमारा ड्रिंक तैयार। इस तरह से हमारा बहुत ही आसान हो जाता है सारा काम, बहुत जल्दी हम ड्रिंक बना सकते हैं। सेकंड टिप भी मेरी गर्मी के मौसम से रिलेटेड है। ये यहाँ पर मैंने मैंगो का पल्प लिया, ये ऑरेंज जूस है, ये काले ग्रेप्स का जूस है, ब्लैक ग्रेप्स का जूस है। इसको हम क्यूब्स बना के रख लेते हैं। एकदम से जैसे आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, कोई भी फ्लेवर का आपने जूस बनाना है तो उसी फ्लेवर की आप आइस क्यूब यूज़ कर सकते हो। फ्लेवर की क्यूब, जैसे ये मैंगो का है और ये ऑरेंज का हो गया मेरा और ये ग्रेप्स का हो गया। तो जितना आपने फ्लेवर ज़्यादा करना है या कम करना है उसी हिसाब से आप डाल सकते हो। बीच में थोड़ा सा मीठा डालेंगे, शुगर सिरप डाल देंगे बीच में। तो इस तरह से हम मिनटों में ही कोई भी फ्लेवर का ड्रिंक बनाकर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरा जो कि लेमन से जुड़ा हुआ है। ये लेमन फ्रिज में रख के थोड़े सूख जाते हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, कागज़ लेके, पेपर लेके, अखबार का पेपर ले सकते हैं, पेपर में रैप करके लेमन को कोई भी प्लास्टिक की थैली लेकर उसमें डालकर हम फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं हम फ्रिज में इसको। तो ये वैसे ही नरम रहेंगे, तो इस तरह से हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल नरम रहेंगे। मेरा नेक्स्ट टिप है नमक को लेकर। कई बार नमक हम नमकदानी में डालते हैं तो ये स्टिकी सा हो जाता है। देखिए ये जुड़ से जाता है और ईजिली निकलता भी नहीं जब हमने निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या करने, इस नमक में हम थोड़े से चावल के दाने डाल देंगे। तो ये बिल्कुल भी जुड़ता नहीं है और आसानी से निकल जाता है, ये देखिए। तो इस तरह से आप नमक में चावल के दाने डालकर नमक को इस तरह से रख सकते हैं ताकि ये जुड़े ना। मेरा नेक्स्ट टिप है, कई बार हम मसाला रोज करते हैं और बहुत सी चीज़ें हम मिक्सी में ग्राइंड करते हैं तो इसके ब्लेड जो है काफ़ी जुड़े जुड़े से हो जाते हैं, काम करना थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें नमक डालकर महीने में एक बार आप ये ऐसा कर लें, इसमें नमक डालकर इसको ग्राइंड कर लें। सिर्फ आपको एक दो बार ग्राइंड करना है और इससे क्या होगा कि इसके जो ब्लेड है वो शार्प हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टिप है भिंडी को लेकर। भिंडी बनाते समय इसमें अगर हम नींबू का जूस डाल देते हैं तो हमारी भिंडी स्टिकी नहीं बनती।
गर्मियों में हमारे छिपकली कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, तो उसके लिए कई बार हमें बर्तनों को धो करके यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह से जब हम आटा गूंथते हैं तो आटा गूंदने वाले बर्तन को हम धो लेते हैं, और कई बार हमारे पास किचन टॉवल भी साफ़ नहीं होता तो उससे हम अच्छी तरह से पोंछ भी नहीं पाते। जब ये गीला होता है तो हम इसमें आटा गूंथते हैं तो आटा इसके साथ चिपक जाता है। तो ये आटा हमारा इसके साथ ना चिपके, इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। आप क्या करना है आपको कि इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाल लेना है, ऐसे इसमें आधा गिलास के करीब पानी डाल लेना है। फिर इसके अंदर हम आटा डाल लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे से इसमें और पानी डालकर हम आटा लगा लेंगे। इससे आटा बिल्कुल भी साथ नहीं चिपकेगा, इससे आटा जल्दी भी लग जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। नेक्स्ट टिप मेरी डोसा बैटर से रिलेटेड है। डोसा बैटर अगर आपका फर्मेंट नहीं हो रहा या अभी आपको जल्दी से डोसा बनाना है, अभी इसकी फर्मेंटेशन होने में टाइम है, तो आप क्या करें इसमें, तो इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या थोड़ा सा इनो क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा सा डालकर हम इसको जल्दी से फर्मेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप भी मेरी डोसा बैटर से रिलेटेड है कि जब भी हमने डोसा बनाना होता है, इसका बैटर हम पहले से तैयार करके रख लेते हैं, और फिर जब हमने डोसा बनाना होता है तो इसमें हम पानी मिक्स करते हैं, तो कई बार पानी जो है इवनली मिक्स नहीं होता, तो हमने क्या करना होता है, हम इसको मिक्सी के जार में डालकर और थोड़ा सा पानी मिक्स करके और चला देंगे एक आधे मिनट के लिए, तो पानी जो है इवनली इसमें मिक्स हो जाएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी डोसा बैटर से डोसे से ही रिलेटेड है। हम देखते हैं कि सुनते भी हैं कि कई लोगों का डोसा जो है चिपक जाता है तवे के साथ, तो वो चिपके ना, इसके लिए मैं एक टेक्निक बताती हूँ। हम एक कटोरी लेंगे, उसमें तेल और पानी दोनों मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। हमने जब भी डोसा बनाना हो तो हम एक आलू लेंगे काट कर, उस पे ये तेल और पानी का जो सिरप है वो लगा के तवे को ग्रीस कर देंगे। अगर आपको आलू हाथ से लगाना मुश्किल लगे तो इसको आप चाकू पे इस तरह से लगाकर आप इसको ग्रीस कर सकते हो तवे को इससे। तो इस तरह से कभी भी डोसा जो है तवे पर चिपकता नहीं है। देखिए अभी पूरी तरह से बना भी नहीं था, मैंने पहले इसको पलट दिया, फिर भी ये चिपका नहीं है।